सिवनी मालवा तहसील मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर ग्राम बाकाबेड़ी में एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद ने बताया कि बांकाबेड़ी कोटवार की तरफ से थाने में फोन आया कि मोहन रघुवंशी के खेत में एक 40 वर्षीय महिला की लाश पड़ी है, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर देखा मृतिका गीताबाई रज्जर की लाश खेत के पास पड़ी हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला शुक्रवार की रात गीताबाई और उसके पति उमाशंकर रज्जर में विवाद हुआ था, जिसके बाद उमाशंकर ने सिर में लकड़ी मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर जाकर हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी बरामद की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। होशंगाबाद से एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी बरामद की। शाम तक पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब पीने का आदी था और किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हुआ और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। आज सिवनी वाला पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि बांकाबाड़ी में खेत में महिला की लाश दिखाई दी है। इस पर सिवनीवाला पुलिस एक महिला सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंची है और सिवनीवाला पुलिस की सूचना पर एफएसएल टीम को भी भेजा। मौके पर उन्होंने जो है जीरो पर मर्ग कायमी की, अपराध की कायमी की और फरियादी एक रामनाथ हैं, उन्होंने बताया कि मृतिका और उसके पति उमाशंकर इनमें झगड़ा चल रहा था एक दो दिन पहले से और डंडे से मारपीट करके उसके पति ने हत्या कर दी है। इस पर पुलिस ने जो है कार्रवाई की है, मृतिका को पीएम के लिए रवाना कर दिया है, आरोपी को भी ले आए हैं। आगे की कार्रवाई अनुसंधान दौरान विधिवत की जाएगी। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी ग्राम सूरजपुर के रहने वाले थे, जो ग्राम बांकाबेड़ी में खेत की रखवाली का काम किया करते थे। मृतिका आरोपी की दूसरी पत्नी थी। आरोपी की पहली पत्नी का देहांत हो चुका है। आरोपी की पहली पत्नी से 3 बच्चे और दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चियों की शादी भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, सिवनी मालवा।